What's up guys, welcome to Bike Info. Today we are discussing about newly launched KTM 125, means Duke 125. तो लॉन्च तो हो गया है भाई लोग, आप देख सकते हैं। तो कुछ फीचर्स अलग है जो US अमेरिका में जो चल रहा है उसकी तरह नहीं है। तो US से इंडिया का फ़र्क इसीलिए ड्यू टू द कॉस्ट रिडक्शन पर्पस, मतलब अगर वही TFT वाला डिस्प्ले दे के वही LED लाइट दे देता तो इंडिया में इसका एक शोरूम प्राइस ही कम से कम 1,40,000 से 50,000 के करीब हो जाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक 125 सीसी की बाइक के लिए। तो उसी लिए उन्होंने वो वाला हटा दिया जिससे हमें एक शोरूम प्राइस 1,18,000 में मिल जाएगा, जो KTM 200 से लगभग 35,000 कम है, 35,000 कम है उससे। तो हमें जो फीचर्स मिल रहा है, जो टॉर्क, जो BHP पावर मिल रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं उसको वहाँ पर। तो वो लगभग करीब जो हमारे नियर अबाउट का 150 cc या 160 cc के बाइक है उसमें दे रहा है। तो KTM ने अपनी सबसे ज़्यादा सेफ्टी दिया है किसमें, वो जो हमारा वो ग्राउंड क्लियरेंस होता है उसके लिए 185 cm का ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड इसमें माइलेज कम से कम मैंने पिछले भी मेंशन किया था करीब 35 के करीब मिल जाएगा। एंड एक और बात है, LED लाइट ना मिलने पर भी जो लाइट मिलता है KTM 200 की तरह वो काफ़ी नाइट विजिबिलिटी देता है। एंड इसमें हमें डुअल चैनल ABS मिलेगा, तो सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा बात है कि 125 cc में आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है KTM की तरफ से मिल रहा है। सो आई थिंक फॉर द KTM लवर्स हु वांट टू बाय KTM कैन श्योरली गो फॉर द KTM 125। अच्छा फीचर से अच्छा बाइक है, सब कुछ ही अच्छा ही मिल रहा है हमको। तो वैसे भी KTM काफ़ी स्पोर्ट के लिए जाना जाता है, तो हम उसमें स्पोर्टी लुक्स भी मिल रहा है, एक अच्छा सा फीचर्स मिल रहा है, सब कुछ सेफ्टी मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। हम प्राइस रेंज भी 200 से बहुत ज़्यादा कम में, तो यू शुड गो फॉर इट। सो आई थिंक मैनी जो न्यू कमर्स है, टीनेजर्स या उससे ज़्यादा बड़ा जो KTM का फैन है, जो बजट के लिए भी KTM तक नहीं जा सकता, शुड गो फॉर द KTM 125। आई थिंक आई पर्सनली सजेस्ट इफ़ यू लाइक यू कैन गो फॉर इट। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।